शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति और समाज की पहचान भाषा से होती है। उन्होंने कहा कि परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए भाषा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज जयपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक 105 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वह हिंदी साहित्य और हिंदी पुस्तकों का अधिक से अधिक अध्ययन करें ताकि वह अपनी संस्कृति को जान सकें। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज की पहचान भाषा और संस्कृति से होती है। यदि भाषा नहीं है तो फिर अपनी पहचान की, और संस्कृति की भी पहचान के लिए आवश्यक है कि हम लोग कम से कम कहीं ना कहीं भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। कहें हम परिवारों में भी देखें कि बिना भाषा के हमारी परंपरा और सभ्यता की भी हमें जीवित नहीं रह पाते। इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, इन सब की गर्व की अनुभूति हमारी भाषा से होगी। आए हम भाषा को अपनाएं, आचरण में लाएं और जीवन का उसको एक अंग बनाएं, तो निश्चित रूप से आज की हिंदी भाषा दिवस या हिंदी भाषा समारोह मनाना सार्थक होगा।